हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कुछ बहुत ही आसान टिप्स से सीखने वाले हैं कि केकड़ा भजी कैसे बनाते हैं या पकोड़े कैसे बनाते हैं। केकड़ा भजी या पकोड़ा घर में बनाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल ठेले में जैसे मिलते हैं पकोड़े वैसे ही मिल जाते हैं, तो इसको आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, मैं कुछ टिप्स आपको बताने वाली हूँ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। केकड़ा भजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है ये प्याज, और प्याज को इस तरह से मैंने लंबा काट लिया है और इस तरह से हमें बिल्कुल पतला काटना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस तरह से हमें प्याज को बिल्कुल पतला काटना है। और हमें चाहिए हरा धनिया, तो यहाँ पे मैंने ढेर सारा हरा धनिया लिया है। दो हरी मिर्च बारीक काट ली मैंने। पहले हम इस प्याज को इस बर्तन में ऐड करेंगे और उसमें हमें ऐड करना है नमक। तो इस भजी में हम पानी बहुत ही कम यूज करने वाले हैं, तो स्वादानुसार हमें नमक ऐड करना है। और नमक ऐड करने के बाद हमें प्याज को इस तरह से नमक के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। प्याज को हमें मसल कर नमक के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरह से। और ये नमक से इसको पानी छूटना चालू हो जाएगा, और उसी पानी में हमें बेसन को जो हम घोल बनाते हैं पकोड़े के लिए हमें बनाना है, तो इसमें हम पानी बिल्कुल ऐड नहीं करने वाले हैं। अब हम इसी में ऐड करेंगे ये हरा धनिया और हरी मिर्च। और यहाँ पे मैंने खड़ा धनिया दरदरा कूट लिया है, वो भी ऐड करेंगे। उसके बाद हमें ऐड करना है अजवाइन। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन लिया है और हाथ में हमें अजवाइन को इस तरह से मसल देना है, उससे जो हमारी भजी है या पकौड़ा है बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि इसको पानी छूट जाएगा अच्छे से। और उसी पानी में हमें बेसन को घोल लेना है, इसमें एक्स्ट्रा पानी हमें ऐड नहीं करना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो ही 2-3 चम्मच हम पानी ऐड करेंगे। तो इसको अब हम 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2-3 मिनट हो चुके हैं और इसको पानी छूट चुका है, तो इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड करके इसका घोल बनाएंगे। तो हमें बिल्कुल पतला घोल नहीं बनाना है जैसे हम पकौड़े के लिए बनाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें पानी छूट चुका था, तो उसकी वजह से ये बेसन काटा हमारा अच्छे से मिक्स हो रहा है इसमें। यहाँ पे हम और 1 चम्मच बेसन काटा लेंगे। चाहे तो आप इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 2-3 चम्मच ही पानी हमें ऐड करना है। तो फ्रेंड, इसमें हमें ऐड करना है अभी मिर्ची पाउडर, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसमें हमने हरी मिर्च भी ऐड की है, तो उस हिसाब से आप लाल मिर्च पाउडर ऐड करें। और 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर इसमें और बेसन काटे की ज़रूरत पड़ी तो हम ऐड करेंगे बेसन काटा। तो यहाँ पे मैं 1/2 टेबल स्पून और बेसन काटा ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये तैयार हो गया है केकड़ा भजी का घोल जो हमने बनाया है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था मैंने पहले ही, और तेल अच्छे से गरम हो चुका है। तो अब हम
भजी बनाएंगे। तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म होना चाहिए आपका। इस भजी को हमें डीप फ्राई कर लेना है, तो एक साइड हमें अच्छे से तल लेनी है पहले। तो यहाँ पे इस पकौड़ी की एक साइड अच्छे से तल चुकी है, तो अब हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड भी तल लेंगे। गैस को हमें फुल ही रखना है, हाई पे रखना है। यहाँ पे इसको हमें यहाँ पे हाई पे रखना है, अगर आप लो करोगे तो इसमें तेल आ जाएगा और आपकी जो पकौड़ी की पकौड़ा है वो बहुत ही उसमें तेल रह जाएगा। तो इसलिए हमें इस गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई पे रखना है और तेल यहाँ पे हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। दूसरी साइड भी हमें अच्छे से तल लेनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे पकौड़ी की दूसरी साइड भी अच्छे से तल चुकी है, तो अब हम इसको तेल से बाहर निकाल देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा केकड़ा भजी है बहुत अच्छे से डीप फ्राई हो चुकी है और इसका कलर भी बहुत सुंदर आ चुका है। और इसी तरह हम बाकी की भी गोल को पकौड़े बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी केकड़ा भजी बनकर तैयार है, बहुत ही क्रिस्पी लगती है। तो इसमें कुछ टिप्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि प्याज को बिल्कुल पतला काटना है और इसमें पानी ना की मात्रा में ऐड करना है। इस केकड़ा भजी को आप शाम के टाइम चाय के साथ भी स्नैक के तौर पर खा सकते हैं, खाने में बहुत क्रिस्पी लगते हैं, तो इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते किसी ऐसी ही नई रेसिपी में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट खाते रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक।